हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रिलेटेड न्यूमेरिकल की। इससे पहले मैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर वीडियो बना चुका हूं, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है ऊपर यहाँ पे आई बटन है स्टूडेंट, उसको क्लिक करके एंड में आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो न्यूमेरिकल करने से पहले हमें फार्मूले याद होने चाहिए। मैं रिकॉल कर देता हूं, जिस स्टूडेंट ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट फार्मूले याद कर सकते हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, वैसे तो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, बट जब हम न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट तो हम ग्रेटर देन का साइन ना पाते, केवल इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल में होता है क्या स्टूडेंट, कि मान लो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट खड़ा हूं तो मेरी पोजीशन आप सर्टेनिटी के साथ बता सकते हो, बट जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है या फिर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन मोशन है तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसकी पोजीशन ये है। तो हम कहते हैं एक रीजन है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो एक ही रीजन हो गया सपोज करिए, अब इनमें इलेक्ट्रॉन कहां पे, ये वाली पोजीशन है, ये वाली है, ये वाली है, कौन सी है हम एग्जैक्टली बता सकते, तो वहां पे हम टर्म इस्तेमाल करते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, इसी तरह ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, एच अपॉन फोर पाई। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, और पाई की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 3.142, आप पुट कर देंगे कांस्टेंट क्वांटिटी। अब मुझे ये क्वेश्चन स्टूडेंट इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। कई बार हमें मोमेंटम ना देखिए वेलोसिटी गिवन होता है, तब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा बी इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। तो बस इन दो फार्मूले का हमने इस्तेमाल करना है, और ये एनसीईआरटी से रिलेटेड और ये पीएमटी में क्वेश्चन आया है, मैंने कुछ न्यूमेरिकल यहां मेंशन किए हैं, और जब ये चैप्टर एंड होगा तो जितने भी प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेटिव है उनको मैं कंबाइंड डेटा आपको बना के दूंगा लेक्चर। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल से। तो सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है। वो कहता है इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.2 नैनोमीटर। अब यहां पे स्टूडेंट आपको समझना है, इस टाइप के जब भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे कि आपको प्लस और माइनस दोनों लिखा होगा अनसर्टेनिटी से पहले या वेलोसिटी से पहले, तो आपने केवल एक ही वैल्यू लेनी है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अनसर्टेनिटी क्या, प्लस 10 या माइनस 10, यानी जो डिफरेंस है वो 10 का केवल, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो गया, केवल 0.002 नैनोमीटर, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम एसआई यूनिट में ले रहे हैं, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसी को स्टूडेंट देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, 2 × 10⁻³ मीटर और 2 × 10⁻¹², पहले क्या है नैनोमीटर, और ये 10⁻⁹ होता है तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं मीटर। तो ये मेरे पास एक वैल्यू होगी कि डेल्टा एक्स क्या है, 2 × 10⁻¹² मीटर, ठीक है एक्यूरेसी। सपोज द मोमेंट, और फिर कैलकुलेट क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, अभी हमने बात की थी एच अपॉन फोर पाई इंटू डेल्टा एक्स, वहां से डेल्टा एक्स नीचे आ गया। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 6.6 × 10⁻³, ठीक है स्टूडेंट, या तो जाऊ सेकंड लिख सकते हो या यूनिट लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड सॉरी। और यहां पे क्या है हमारे पास, 4 × 3.142 डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻¹² मीटर। और जब आप ये सारा स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.638 × 10⁻²³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास मोमेंटम की वैल्यू आ गई, कौन सी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी की वैल्यू स्टूडेंट ध्यान है। अब आगे इसी क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा सपोज करिए द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अगर आपको जो एक्चुअल मोमेंटम है वो क्या गिवन है, अगर हमें जो गिवन है स्टूडेंट एक्चुअल मोमेंटम, वो कह रहे जो वैल्यू है वो क्या है, एच अपॉन फोर पाई मीटर में है, ये 0.05 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, तो 10⁻⁹ मीटर,
ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जब इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, 6.6 × 10⁻³⁴ (4 × 3.142 × 0.05 × 10⁻⁹). और जब आप ये सारा सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.055 × 10⁻²⁴ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है, क्यों मैं कह रहा हूं, यहां भी ये लाइन समझने वाली है, इज एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू। वो कहता है क्या इस वैल्यू को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे यस, ये प्रॉब्लम को डिफाइन करने में प्रॉब्लम है। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से देखिए, जो हमारा अनसर्टेनिटी की वैल्यू है वो है 2.638 × 10⁻², और जो एक्चुअल आ रहा है वो 1.04। अब जो एक्चुअल आ रहा है वो अनसर्टेनिटी से क्या है, कम आ रहा है, ठीक है ना। तो इट इज डिफिकल्टी टू डिफाइन दिस प्रॉब्लम, इट इज डिफिकल्टी टू डिफाइन दिस प्रॉब्लम बिकॉज दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी से वैल्यू कम है, इसलिए इसको डिफाइन करने में हमें क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। तो एनसीईआरटी का स्टूडेंट इंटेक्स का क्वेश्चन है, बहुत शानदार, तो ये आप अपना नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की, जरा ध्यान से देखिए क्या है। वगैरह एक माइक्रोस्कोप यूजिंग ए सुटेबल फोटोन इज इम्प्लॉयड लोकेटेड एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद एन डिस्टेंस ऑफ 0.1 angstrom। जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 0.1 angstrom दिया हुआ है। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी बताइए क्या है। तो आपको जो डेल्टा स्टूडेंट गिवन है वो 0.1 angstrom है। 0.1 angstrom का मतलब क्या होगा, 0.1 × 10⁻¹० मीटर। ये मेरे पास क्या है, लोकेशन जो डिस्टेंस दे रखा है 0.1 angstrom, डेल्टा एक्स आ गया। अब निकालना क्या है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द वेलोसिटी, डेल्टा वी क्या है, मुझे कैलकुलेट करना है मास, मास कितना लेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अब आपके पास फार्मूला है, डायरेक्ट पुट कर लीजिए, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4πm × Δx, क्योंकि अभी आपको मैंने मोमेंटम बताया था, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी क्या होता है, एच अपॉन 4π। तो मुझे यहाँ डेल्टा वी ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4πm Δx। अब सारी वैल्यूज आपको स्टूडेंट पता ही है, 6.6 × 10⁻³ 4 × 3.142 मास, मास कितना दे रखा है, 9.1 × 10⁻³ और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने अभी निकाली है क्या, 0.1 × 10⁻¹ मीटर। तो हमारा जो सोल करके स्टूडेंट वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 5.79 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे सारी कैलकुलेशन स्टूडेंट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वही है कि आपको एक बार प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल की, थर्ड देखिए आप न्यूमेरिकल क्या है, एक गोल्फ बॉल, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं कहता हूँ, जनरली टीचर जो एग्जाम में टेस्ट में देता है वो यही क्वेश्चन है, एक ये इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूँ सबसे पहले वाला, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है इस पॉइंट के अंदर, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक गोल्फ बॉल हैज ए मास, मास दे रखा है आपको क्या, 40 g एंड ए स्पीड ऑफ वेलोसिटी दे रखी है 45 m/s। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब 2% दे रखा है किसका, इसका, तो 45 × 2/100, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा एक्स मुझे क्या है, कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे बस यही एक पॉइंट है थोड़ा समझने वाला। अब इसमें एक गलती स्टूडेंट और करते हैं, आपको सारा डाटा दिख जाता है, फटाफट आप डाटा पुट कर देते हैं। हमेशा याद रखना, मैंने डी ब्रोगली के अंदर भी कहा था कि डी ब्रोगली का कोई न्यूमेरिकल आ रहा है या हेजनबर्ग का आ रहा है, तो जो मास लेंगे स्टूडेंट हम हमेशा किलोग्राम में लेंगे, क्यों, क्योंकि एच की वैल्यू क्या पुट करें, 6.6 × 10⁻³ अगर आप 6.6 × 10⁻²⁷ पुट करते हैं अर्ग में, तब आप ले सकते हैं ग्राम में, ठीक है। जनरली क्योंकि हम जूल सेकंड में ले रहे हैं, तो ऐसा यूनिट ही हमें मास का लेना पड़ेगा। तो यहाँ डेल्टा एक्स निकालना स्टूडेंट, फार्मूला आपको पता ही है,
एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी। तो आप ये सारा सोल्व कर लेंगे, 90 अपॉन 100 तो ये 0.9 आ गया। तो डेल्टा वी की जगह 0.9 यूनिट्स क्या दिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिए मीटर पर सेकंड, बस कोई दिखती नहीं है यूनिट्स इनका नहीं। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू ये आ गया। आपके मास आपको गिवन है 40 ग्राम, अब इसे क्या करोगे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000, तो ये आ गया 0.04 किलोग्राम। तो मास की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा वी की जगह ये पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है। जब आप ये सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1.46 10 की पावर -33 मीटर। ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल सोल्व किया है, तो बड़े आराम से आप करेंगे। लास्ट जो है ऑल इंडिया पीएमटी में आया स्टूडेंट, उसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या कहता है नेक्स्ट में देखिए ध्यान से, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसे नहीं, बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए छोटी छोटी टर्म की, कभी आपको परसेंटेज दे रखा है, कभी आपको प्लस माइनस में दे रखा है, बस ये छोटी छोटी बात है आपको ध्यान रखनी है, कोई टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट करके क्वेश्चन लिख रहा, वो कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जो मूविंग कर रहा है वेलोसिटी वो क्या है 600 मीटर पर सेकेंड विच इज एक्यूरेट अप टू, वही वाली बात आ गई। अब डेल्टा वी निकालना है तो इसका कितने परसेंट दे रखा है 0.005। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसीलिए कहते हैं अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली तो नेट के जनरली जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो यहीं से आते हैं, बस थोड़ा सा डाटा चेंज होता है। तो 0.5 अपॉन क्या कर लोगे 100, अभी आपका मीटर पर सेकेंड डेल्टा वी आ गया। देन डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन कैलकुलेट करिए, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। अब सारा क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे ख्याल से आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इतना स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया, डेल्टा वी की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू है, डेल्टा एक्स फार्मूला पुट कर दीजिए, डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। अब सारी वैल्यू जब आप पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 1.93 10⁻³ मीटर। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, आप इनको करके देखिए, और आपके पास जो भी रिलेटेड बुक है कॉम्पिटेटिव, जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं क्वेश्चंस, या जो भी आपको लगता है डिफिकल्टी हेजनबर्ग से रिलेटेड, डी ब्रोगली बोहर्स मॉडल, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल में कहीं भी प्रॉब्लम लगती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन की क्लिक करके सेंड करें या उसकी पीडीएफ फाइल बना के दे दें, मैं आपको उसको जरूर सोल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में स्टूडेंट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक श्रोडिंगर बेल इक्वेशन की बात करेंगे, जो कि क्वांटम केमिस्ट्री के जिसे हम कहते हैं नीव।